दोस्तों, कैसे हो? आप दिख रहे हैं स्टोरीकार और इस वीडियो आपको बताने जा रहा हूँ द स्टोरी ऑफ कोंडा जी फर्जंद और द युद्ध नीति ऑफ पन्हाला। तो गाइज, आप इस वीडियो को पूरे एंड तक देखेगा क्योंकि ये जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अमेजिंग है और आपको इस स्टोरी में बहुत मज़ा आएगा। तो गाइज, अगर आपको हिस्ट्री के फैन हैं, अगर आपको हिस्ट्री बहुत पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और उसके बाजू की नोटिफिकेशन बेल भी दबाना ना भूलेगा। ये सब गाइज हमारा चैनल जो है वो पूरा हिस्ट्री से डेडिकेटेड है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी कहानी। तो आज की कहानी में हम बताने जा रहे हैं पन्हाला और कोंडा जी फर्जंद के बारे में। तो पन्हाला गढ़ जो था वो आदिल शाही डायनास्टी का सबसे महत्वपूर्ण फोर्ट था। तो आदिल शाही डायनास्टी जो थी वो बेंगलोर या बीजापुर की डायनास्टी भी बोल सकते हैं। तो वो कर्नाटका में थी और शिवाजी महाराज ने पन्हाला गढ़ पे पहले अपना काबू जमा लिया था जब उन्होंने अफजल खान को मारा था। तो उसके 18 दिन बाद उन्होंने पन्हाला गढ़ भी जीत लिया था। पर जब बाजी प्रभु देशपांडे की जो कहानी हुई, जो सिलसिला हुआ वो आपको बताने जा रहा हूँ, पता नहीं अगले वीडियोस में कभी। तो ये जो सिलसिला हुआ उसके बाद शिवाजी महाराज को पन्हाला गढ़ उनको देना पड़ा था। तो इसीलिए पन्हाला गढ़ जो था वो फिर से आदिल शाही डायनेस्टी में आ गया था। तो इस बात से फिर जब ट्रीटी ऑफ पुरंदर हो गई, जब मिर्जा राजा और शिवाजी महाराज ने ट्रीटी ऑफ पुरंदर करी, उसके भी वीडियो हम बनाएंगे जल्दी ही। तो जब उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर करी तो उन्होंने शिवाजी महाराज को, मिर्जा राजा ने शिवाजी महाराज को पन्हाला पे अटैक करने को बोल दिया। तो पन्हाला के अटैक करने के वक्त जो शिवाजी महाराज थे उन्होंने करीबन 1000 आदमी गवा दिए थे और खुद भी हार बैठे थे। तो इसलिए उनको समझ में आ गया था कि ये जो पन्हाला है वो इतना इजी नहीं है कैप्चर करने को, क्योंकि जो किले था जो पन्हाला किला था उसमें करीबन 2500 आदमी लोग थे। तो इसीलिए जो था उनको समझ गया कि पन्हालागढ़ जो है वो इतना इजी नहीं है कैप्चर करने को। तो पन्हालागढ़ जो है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। आप देख सकते हैं इस मैप में, जो राइट साइड के मैप है उसमें देख सकते हैं। तो वो जो है वो कोल्हापुर के नज़दीक है, वो 20 किलोमीटर का अंतर है कोल्हापुर और पन्हालागढ़ में। तो जब शिवाजी महाराज ने कोंडाना पे का हाथ मार दिया, जब कोंडाना जीत गए वो तानाजी मारू सारे के साथ, तो मैं उनकी उसकी भी कहानी फिर से बताऊंगा आपको एक नए वीडियो में। पर जब उन्होंने वो कोंडाना जीत लिया तो उन्होंने अपनी नज़र फिर से पन्हाला पे डाल दी, क्योंकि उन्हें डेली अपडेट्स मिलते थे कि पन्हालागढ़ को जो नया फोर्ट कीपर था बेशक खान, वो जो हिंदूज़ को था वो हिंदूज़ को अच्छे से ट्रीट नहीं करता था और हिंदूज़ को एकदम तुच्छ मानता था। तो इसीलिए शिवाजी महाराज ने उनका निर्णय लिया कि पन्हालागढ़ को फिर से स्वराज्य में आने का। तो उन्होंने ये जो बात थी पन्हालागढ़ की वो अपने मिनिस्टर्स को बताई। तो मिनिस्टर्स में से एक मिनिस्टर थे अनाजी पंत। तो अनाजी पंत ने सोचा कि भाई मैं इस कैंपेन में हाथ मार लेता हूँ और पन्हालागढ़ आपको स्वराज्य में लाऊंगा। तो इसलिए शिवाजी महाराज ने जो कैंपेन था उसकी सारी जिम्मेदारी अनाजी पंत को सौंप दी। तो अनाजी पंत गए उधर, बड़े धूमधाम से गए एकदम। पर एक महीना हो गया, कोई अच्छा जो था वो बैटल स्ट्रेटजी अभी तक नहीं बना पाए और कोई अटैक स्ट्रेटजी भी नहीं बना पाए। तो इसलिए अनाजी पंत जो थे वो थोड़े फेलियर के रास्ते पे चल रहे थे। तो इसीलिए जो शिवाजी महाराज थे वो एक महीने तक अच्छे से नींद ही नहीं आ पाई उनको, वे हमेशा पन्हाला के बारे में विचार करते थे। तो इसीलिए क्या हुआ कि शिवाजी महाराज ने अपने सबसे जाने माने सोल्जर्स में से एक कोंडा जी फर्जंद को यह कैंपेन सौंप दिया। तो कोंडा जी फर्जंद गए, बहुत अच्छे से गए, मतलब उनके उन्होंने सिर्फ कम से कम सोल्जर्स लिए, उन्होंने सिर्फ 100-200 सोल्जर्स ही लेके चल पड़े वो। तो 100-200 सोल्जर्स लेके उन्होंने कैंप करने का निर्णय लिया। तो उन्होंने जब कैंप किया तब उनको उन्होंने जो पन्हालागढ़ था उस पर पूरा अपना नज़र डाली, उस पर सब उन्होंने सर्वे किया कि मतलब पन्हालागढ़ का मैप क्या है, उसका जो मैप है उसमें कौन से दरवाजे हैं, कितने कितने गार्ड्स हैं, फिर गार्ड्स कब चेंज होते हैं, मतलब रात में कितने गार्ड्स रहते हैं, सुबह कितने गार्ड्स रहते हैं। तो ये सब उन्होंने जानकारी ली। तो ये सब जानकारी उनको समझते वो पढ़ रहे थे तभी उनको एक समझ आ गया कि जो पन्हालागढ़ का जो दक्षिणी दरवाज़ा है, दक्षिण दरवाज़ा, तो जो साउथ का साइड जो दरवाज़ा है वो उसमें बहुत ही कम सोल्जर्स है, उसमें करीबन 10 से 20 रहेंगे सोल्जर, सिर्फ 10 से 20 थे और बाकी सारे जो डोर्स थे उसमें थोड़े ज़्यादा सोल्जर्स थे।
और जो साउथ दक्षिणी दरवाजा है उसके नीचे ये घना जंगल था जिधर जंगली जानवर थे। तो इसलिए उन्होंने विचार किया कि हम जो है वो फोर्ट में चढ़ेंगे तो दक्षिणी दरवाजे से ही, क्योंकि उसमें सबसे कम गार्ड्स थे। तो उन्होंने एक रात ली और उस रात को 12 बजे 12-1 बजे वे फोर्ट पे चढ़ पड़े सिर्फ अपने 60 सोल्जर्स के साथ, 60 या 60 सोल्जर्स। तो उन 60 सोल्जर्स में से थोड़े सोल्जर्स पहले चढ़ गए रोप से, तो रोप की मदद ली, और फिर दूसरे सोल्जर्स को उन्होंने लैडर फेंकी। तो कोंडाजी फर्जन उनको लीड कर रहे थे और उनके पीछे थे 60 मावल्स, या मावल्स मतलब सोल्जर्स। तो कोंडाजी फर्जन ने एक और एक अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई इस पे। कोंडाजी फर्जन ने अपने सोल्जर्स को बोला कि जोर जोर से ट्रम्पेट बजा, जोर जोर से हॉन्क जैसे बजाते ना, तो वो जोर जोर से बजाई और ताकि जो सोल्जर्स थे जो सोए हुए थे उनके मन में डर पैदा करे। उन जो सोल्जर्स थे सोए हुए उनको लगा कि ये लोग जोर जोर से बजाने लग गए, तो इसलिए उनको लगा कि अरे बाप रे मराठास ने अटैक कर दिया, किसने अटैक कर लिया, और जोरदार की फोर्स लग रही क्योंकि एकदम जोर जोर से आवाज आ रहा। तो इसलिए उधर ही उनकी फट गई, तो उधर ही उनके थोड़े जो जो सोल्जर्स थे उधर ही वे ताता थैया करने लग गए, तो उधर ही उनको भागने लग गए। तो फिर कोंडाजी फर्जन ने और एक नई अच्छी स्ट्रैटेजी लगाई, वो था कि वो सीधे किलेदार के रूम में गए और किलेदार की नाना और नानी दोनों याद करा दी, फिर 2 बार में उनको मार दिया, जो किलेदार था उनको मार दिया। जब किलेदार के मरने की जो खबर जब सुनी जब सोल्जर्स ने, तो भाई वो तो गए, तो वो भागने लग गए, थोड़े लोग तो फोर्ट के से नीचे आने लग गए। तो फिर इसीलिए ये जो था वो सोल्जर्स डर के भाग जाने लगे। तो 2000 सोल्जर्स जो थे वो इतना डर गए कि वो थोड़े लोग जो थे वो पन्हालगढ़ से नीचे आने लगे, थोड़े सिर्फ चंद लोग थे जो उनको फाइट करने लग गए, तो पर बाकी सभी लोग डर के भाग गए। तो इन चंद लोग को 2 मिनट में सफाया कर देने के बाद इन्होंने बहुत सारे सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया, बहुत सारी वेल्थ को कैप्चर कर लिया, बहुत सारे कैनल्स को कैप्चर कर लिया, और इन सब के बाद उन्होंने पन्हालागढ़ पे विजय पा ली। तो 1 महीने जो 1 महीना 15 दिन का जो ये था वो खत्म हो गया था और पन्हालागढ़ फिर से स्वराज्य में आ गया था। तो शिवाजी महाराज बहुत ही खुश हो गए, मतलब वो 7वें आसमान पे चले गए और वो सीधा पन्हालागढ़ पे आ गए। तो पन्हालागढ़ पे आते आते ही उन्होंने जो कोंडाजी थे कोंडाजी को सूबेदार बना दिया, और उन 60 जो जो सोल्जर्स थे उन ब्रेव सोल्जर्स थे उनको बहुत सारे अच्छे अच्छे तोहफे दिए, फिर उनको अच्छे पोजीशन दिए। तो ये जो था वो था उन्होंने कैसे कैप्चर किया पन्हालागढ़ को। तो गाइस आप इस स्टोरी से क्या सीख सकते हैं, आप इस स्टोरी से सीख सकते हैं कि जो प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी अभी कल आपकी एग्जाम रहेगी तो आपको प्रिपेयर करना है, आपको ऐसे ही अनप्रिपेयर नहीं जाना है जैसे अन्नाजी पंत गए थे, आपको प्रिपेयर करके जाना है, आपको प्रिपेयर करके अटैक करना है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड और भी ऐसे स्टोरी सुनने हैं या ऐसे आपको जानकारी चाहिए तो गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आपको अगर ऐसे कोंडाजी फर्जन जैसे लोगों को और भी मशहूर करना है तो इस जो इस वीडियो है उसको दूसरे लोगों के साथ शेयर किए। तो गाइस धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मैं हूँ हिस्टोरिक गाय और आपको प्रणाम मेरा। तो गाइस धन्यवाद और बाय।